उत्तर प्रदेश स्थित मुजफ्फरनगर में एक स्कूल में टीचर द्वारा कथित तौर पर मुस्लिम छात्र को पिटाई करवाने के मामले में पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वरुण गांधी ने पोस्ट करते हुए कहा है कि देश का सिर शर्म से झुक गया है। उन्होंने लिखा कि ज्ञान के मंदिर में एक बच्चे के प्रति घृणा भाव ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है। शिक्षक वो माली है जो प्राथमिक संस्कारों में ज्ञान रूपी खाद डालकर व्यक्तित्व ही नहीं राष्ट्र करता है। इसलिए दूषित राजनीति से परे एक शिक्षक से उम्मीद कहीं अधिक है, देश के भविष्य का सवाल है। आपको बता दें कि वरुण गांधी की ये प्रतिक्रिया उस मामले में आई है जहां एक टीचर ने मुस्लिम छात्र को अन्य छात्रों से पिटवा दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल टीचर ने यूकेजी के मुस्लिम छात्र को क्लास के दूसरे स्टूडेंट से सजा दिलवाई। बच्चे का कसूर इतना था कि उसने पांच का पहाड़ा नहीं सुना पाया। इस पर टीचर ने बारी बारी से क्लास के बच्चों को बुलाकर छात्र को पिटवाया। टीचर ने कहा कि मुस्लिम बच्चों की माएं उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती, इससे बच्चों का नाश हो जाता है। यही नहीं, टीचर ने छात्र के धर्म को लेकर भी टिप्पणियां की। वहां बैठे एक शख्स ने वीडियो बना लिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब महिला टीचर के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। कल आप सब लोग जानते हैं कि नेहा पब्लिक स्कूल ये प्राइवेट स्कूल है कब्बूपुर गांव का थाना मंसूरपुर के अंतर्गत कल शाम से वीडियो वायरल हो रहा है। इसके संबंध में इंक्वायरी की गई। इसमें इंक्वायरी में ये सामने आई कि जो ये एक नेहा पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल है और जो वीडियो करके वीडियो वायरल किया गया उनको उनका बच्चे का चचेरे भाई है। तो इसके बाद उनसे जो माता पिता है जब उनसे प्रशासन द्वारा अप्रोच किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, तो उन्होंने FIR करने के लिए थेरिर देने के लिए एग्री नहीं थे। तो फिर सुबह जो डेवलपमेंट हुआ कि सुबह उन्होंने थाने में तहरीर दे दी गई और तहरीर दर्ज भी हो गया है, ये सूचना देनी थी। इसके अतिरिक्त बाल कल्याण समिति होती है ज़िले में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, तो उसके तहत कमेटी द्वारा उनकी बच्चों को और उनके माता पिताओं को स्पेशली बच्चों को उनको काउंसलिंग किया गया है और काउंसलिंग चल रही है ताकि बच्चों को इन पर कोई ये ना हो। और इसमें जो क्योंकि तहरीर दर्ज हो गई आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी एंड बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अलग से भी कार्रवाई चल रही है। इसमें जो तहरीर दिया गया सारे जो तहरीर दिया गया था उनकी माता पिता द्वारा वो सारी तहरीर दर्ज कर ली गई। मौके पे देखिए इसमें शांति व्यवस्था बनाने रखने के लिए जो अधिकारी वो लगे हुए एंड इसके अतिरिक्त ये भी कहना है कि JJ एक्ट के अंतर्गत बच्चे का नाम और उनका ये करना रिवील करना मना है क्योंकि इसमें उनके बच्चे की मानसिकता पे पड़ती है। सभी से अनुरोध है कि इसकी एक्ट का गरिमा में ही रहे एंड आप सभी एंड जो बाल कल्याण समिति द्वारा इसको काउंसलिंग करके आगे कार्रवाई कर चल रही है। कोई मुजफ्फरनगर वासी कोई किस तरह की अपील सर? सभी से मुजफ्फरनगर वासी से यही अपील है कि इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखें एंड इस पर आगे धैर्य दर्ज होगी आगे कानूनी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।